दोस्तों अभी है 2024, यह सबको पता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अभी कैवी शताब्दी है और कैवी दशक है, तो देखिए ज्यादातर लोग जो है इसको सही से नहीं बता पाते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोग यह जानेंगे कि यह जो 2024 है यह कैवी शताब्दी है और कैवी दशक है। देखिए आप लोग किताब में एक चीज को देखे होंगे कि कहीं पर लिखा हुआ होता है कि 19वीं शताब्दी में यहाँ पर युद्ध हो गया, या फिर 17वीं शताब्दी में यहाँ पर ये हो गया। तो देखिए आखिर ये सब क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरह से जानेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर शताब्दी क्या होता है। तो देखिए एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, यानी 100 साल को एक शताब्दी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 100 वर्ष को, यानी देखिए 100 वर्ष अगर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह एक शताब्दी है। अब देखिए इसके बाद है दशक। देखिए एक दशक में 10 वर्ष होता है, यानी देखिए 10 वर्ष होगा तो उसको एक दशक कहेंगे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन है कि एक शताब्दी में कितने दशक होगा, तो देखिए वो 100 साल है ना, तो 10 के हिसाब से 10 बार हो जाएगा, यानी एक शताब्दी में 10 दशक होता है। यह देखिए बिल्कुल बेसिक था। अब हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे पता करेंगे कि कैवी शताब्दी है और कैवी दशक है। देखिए इसको बताना बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले इसका जो नियम होता है उसके तहत मैं आप लोग को बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा शॉर्ट तरीके से, क्योंकि जब आप कहीं पर जाइएगा तो वहां पर आपके पास कलम कॉपी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर सीखेंगे, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अगर आपके पास मान लीजिए कॉपी कलम नहीं है तो फिर उसको कैसे बताना है। देखिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2024 है, आपको पता है कि शताब्दी 100 के रूप में होता है। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले 100 के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 100 के रूप में लिखने के लिए अंतिम दो संख्या को 0 होना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे 20 को, और यह देखिए 24 के बदले यहाँ पर लिखेंगे 20 को, यानी सबसे पहले लिखेंगे 2000 को। 2000 को आप 2100 कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंत में है 24, तो 24 को लिखने के लिए 20 और प्लस में 4 को लिख सकते हैं, यानी देखिए यह संख्या को कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए शताब्दी निकालने के लिए यहाँ पर देखिए जो भी साल है यह 100 के रूप में लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग 100 से भाग को लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दशक निकालने के लिए इसमें देखिए हम लोग 10 से भाग को लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर यह 20 से यह 20 कट जाएगा, यह 10 से यह भी 10 कट जाएगा। इस तरह से आपको सबसे पहले काटना है। देखिए यहाँ पर आ रहा है 20, और देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि 20 जो है वह कंप्लीट हो गया। जैसे देखिए आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि 30 लीटर का एक टंकी है, उसमें 20 लीटर पानी भर गया है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि अब कैवा लीटर भरेगा, तो देखिए आपको पता है कि 20 लीटर न भरा है, यानी 21वां लीटर में वह भर रहा होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए 20 कंप्लीट हो गया है, तो 20वां शताब्दी नहीं कहेंगे, 20 तो हो गया, तो इसके एक आगे वाला चल रहा होगा। जैसे देखिए 20 है तो इससे आगे यानी 21 होगा, यह जो 21 आया यह 21वीं शताब्दी होगा। अब देखिए दशक पता करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 जो है यह कंप्लीट हो गया है, और इससे ज्यादा यहाँ पर देखिए 4 साल हो गया है। तो आपको पता है कि जब 2 पूर गया है तो वह जो चल रहा होगा वह तीसरा चल रहा होगा।
तो देखिए इसके नीचे लिखेंगे 3 को, यानी देखिए 2024 जो है वह 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक है, इस तरह से बताना है। लेकिन देखिए इसमें आपको थोड़ा सा समझना है, यह तो हो गया इतना लिख करके, अब कॉपी कलम नहीं रहेगा तो आप कैसे बताइएगा। तो देखिए इसको भी आप आसानी से बता पाइएगा, तो उसको बताने के लिए अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। जैसे देखिए यहाँ पर 2024 है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देखिए 20 है, तो इससे बस आपको एक आगे बढ़ना है, तो यह होगा 21वीं शताब्दी। और देखिए दशक पता करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 है, तो इससे एक आगे बढ़ जाएंगे, यानी देखिए यहाँ पर होगा तीसरा दशक। देखिए अगर आप इस तरीका से भी करते हैं तो भी जो आपका आंसर है वह बिल्कुल सेम आएगा। जैसे देखिए आपसे कोई व्यक्ति पूछ दे कि हमारा भारत देश जो था वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो पूछा जाएगा कि आखिर 1947 जो है वह कैवी शताब्दी और कैवी दशक है। तो इसको भी देखिए आप बिना कॉपी कलम की सहायता से ऐसे ही बता दीजिएगा। जैसे देखिए 1947 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 19 है, तो इससे एक आगे बढ़ेंगे, यह होगा 20, यह हो गया 20वीं शताब्दी। अब देखिए यहाँ पर 4 है, तो इससे भी एक आगे बढ़ेंगे, यह हो गया 5, यानी देखिए भारत देश जो था वह 20वीं शताब्दी का पांचवा दशक में आज़ाद हुआ था। अब देखिए आप लोग के लिए एक टास्क मैं देता हूँ और इसका आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए कंप्यूटर का जो शुरुआत हुआ था वह हुआ था 1832 ईस्वी में, आपको यह बताना है कि यह कैवी शताब्दी और कैवी दशक है। तो आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।